foreign policy in changing scenario. फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग सिनेरियो, इसमें पंडित नेहरू का पॉलिसी जो है लाइक कश्मीर पॉलिसी, पंचशील पॉलिसी, गुटनिरपेक्ष पॉलिसी, बांडुंग पॉलिसी वो देख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का आ जाइएगा ताशकंद एग्रीमेंट, इंदिरा गांधी का ले लीजिएगा यूएसएसआर से शांति मित्रता एवं सहयोग संधि 1971, उनके बाद शिमला एग्रीमेंट और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन न्यूक्लियर पॉलिसी देख लीजिएगा, उनके बाद आप आई के गुजराल आ जाइएगा, उनका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्राइन जिनको कहा जाता है वह देख लीजिएगा, पीवी नरसिंहा राव का लुक ईस्ट पॉलिसी देख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का न्यूक्लियर पॉलिसी देख लीजिएगा, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देख लीजिएगा, उनके बाद मनमोहन सिंह का न्यूक्लियर पॉलिसी, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट, चाइना के साथ एग्रीमेंट, नरेंद्र मोदी का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और नरेंद्र मोदी का फॉरेन कंट्रीज के साथ में कैसा कैसा रिलेशन रहा, इससे जो है आपको हर एक ईयर एक क्वेश्चन जो है कि पूछ देगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन जो है कि मैंने आपको यहाँ से दे दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है कि तीन क्वेश्चन 2+1, तीसरा क्वेश्चन इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, भारत एवं तृतीय विश्व के देश। आप लोग कुछ बच्चे ये कह देते हैं सर थर्ड वर्ल्ड तो बहुत बड़ा हो गया, थर्ड वर्ल्ड मतलब तो लगभग 160+ कंट्री हो गया, तो आप क्या बता रहे हैं यहाँ। देखिए इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसे अफ्रीका जाएंगे ना, इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन इन जनरल, और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी हमारे हेड ऑफ द स्टेट गए हैं पर्टिकुलर, बस उतना ही कर लीजिएगा जो लेटेस्ट पॉलिसी गया है, यानी इंडिया एंड अफ्रीका इन जनरल, और जहाँ जिनके साथ हमारा संबंध है या हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ कर लीजिएगा, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका इन जनरल का ये 250 वर्ड्स, और इंडिया एंड ब्राज़ील क्योंकि ब्राज़ील के साथ ही हमारा रिलेशन है इन पर्टिकुलर, वहाँ कर लीजिएगा। लैटिन अमेरिका फिनिश कितने में, 500 वर्ड्स में, 600 वर्ड्स में फिनिश्ड, अफ्रीका 500 to 600 वर्ड्स में फिनिश्ड, वेस्ट एशिया इन जनरल इंडिया इजराइल रिलेशन, फिलिस्तीन इजराइल इशू, और इंडिया ईरान रिलेशन, इंडिया इराक रिलेशन, सऊदी अरबिया यूनाइटेड अरब अमीरात, सीरिया क्राइसिस ये कर दीजिएगा, और वहाँ पर अरब स्प्रिंग आया है कोई करंट में आया तो हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जोर ही नहीं है, ठीक है, कि जो है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो 160 कंट्री से ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड है, तो आप बता क्या रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ इंडिया अफ्रीका रिलेशन इन जनरल, और भारत का हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ अफ्रीका में गए पर्टिकुलर, बस उसी को समअप कर लीजिए। इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन इन जनरल, ये लैटिन अमेरिका रिलेशन इन जनरल, और पर्टिकुलर में आ जाइएगा ब्राज़ील, ठीक है। वेस्ट एशिया इन जनरल और पर्टिकुलर में कहाँ पर पहुँच जाइएगा, फिलिस्तीन इजराइल इशू, इंडिया इजराइल इशू, इंडिया फिलिस्तीन इशू, और हमारे प्रधानमंत्री वेस्ट एशिया में जहाँ जहाँ गए वो कर लीजिए, सीरिया क्राइसिस है वो देख लीजिए, अरब स्प्रिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वो देख लीजिए, हो गया। सेंट्रल एशिया में चले जाइए, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में जो रिलेशन रहा तो ये छोटा हो जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। उनके बाद जो है कि इंडिया एंड सुपर पावर, इंडिया एंड सुपर पावर, इंडिया एंड सुपर पावर्स, इसमें इंडो यूएस रिलेशन, इंडो चाइना तो नेवर में ही मैंने कर लिया, रशिया दे दीजिएगा, जापान दे दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन दे दीजिएगा, तो उससे जो है कि एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कितना क्वेश्चन दे दिया, 2, 3, 5 क्वेश्चन, पांच ही क्वेश्चन 8 में से लिखना है या 8 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन लिखना है,
कि 8 out of 8 लिखेंगे आप, 5 ही लिखेंगे ना, 5 दे दिया ना मैं आपको, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी, क्योंकि देखिए कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, डर आप लोगों को लग रही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ आईआर में रियलिस्ट अप्रोच, न्यू रियलिस्ट अप्रोच, आइडियलिस्ट अप्रोच, गेम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वालेरिस्टीन का अप्रोच, डिटरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, प्रेशर ग्रुप और नेचर ऑफ स्टेट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बस सेफ्टी हो गया, इससे आपका 5+ क्वेश्चन आ जाएगा। सिलेबस छोटा हुआ या नहीं हुआ, ये लंबाई चौड़ाई पर सिलेबस का मत जाइए, मोर देन 90% स्टूडेंट को सिलेबस ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। सिलेबस में लिखा हुआ है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ क्या है वही स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस में जो कि कभी कभी इनकम्प्लीट सिलेबस दिया गया आपका, देखिए कि अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप जाएंगे तो आपका सिलेबस में है प्लेटो, एरिस्टोटल, मेकियावेली, हॉब्स, लॉक, जे एस मिल, हन्ना अरेंट, ग्राम्शी, ठीक, कार्ल मार्क्स, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। आप देख लीजिए सिलेबस, आप लोग देखिए, मैं तो 19 साल से मुझे रटा हुआ है, तो मैं क्या आप लोग मैं क्यों दिखाऊं आप लोगों को, आप अपने से देख लीजिए, ठीक है, यही सिलेबस में आपका है। लेकिन देखिए कि रूसो सिलेबस में नहीं दिया है। अब प्रश्न आता है, रूसो को डेमोक्रेसी का फादर बोला जाता है और डेमोक्रेसी आपके सिलेबस में है, रूसो नहीं है, तो आपको रूसो भी पढ़ना होगा। मैं क्लास में रूसो भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर जो है कि सिलेबस से बाहर आपने कर दिया है, सिलेबस में तो रूसो है नहीं। अब उनको ये सिलेबस पता नहीं है कि डेमोक्रेसी आपके सिलेबस में है और डेमोक्रेसी का फादर, पर्टिकुलरली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फादर किनको बोला जाता है, रूसो को बोला जाता है। उनके बाद हीगल आपके सिलेबस में नहीं है, हीगल सिलेबस में नहीं है, कार्ल मार्क्स सिलेबस में है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स ने किससे लिया है, हीगल से लिया है, डायलेक्टिक आइडियलिज्म से लिया है। जब तक आप हीगल नहीं पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप हीगल नहीं पढ़ेंगे तो फासिज्म नहीं समझ में आएगा। फासिज्म आपके सिलेबस में है, क्योंकि फासिज्म का जनक कौन माना जाता है, हीगल माना जाता है, प्लेटो माना जाता है, ठीक है। लेकिन हीगल सिलेबस में नहीं है, हीगल से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कहेंगे क्या, ये तो सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया क्वेश्चन। उसी तरह कार्ल मार्क्स सिलेबस में है लेकिन लेनिन सिलेबस में नहीं है, लेनिन के इंपीरियलिज्म से क्वेश्चन पूछ देता है, पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप कहेंगे क्या, ये तो सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोर देन 90% स्टूडेंट को सिलेबस ही समझ में नहीं आता है कि सिलेबस है क्या। मोर देन 90% स्टूडेंट पढ़ने भी नहीं जानता है। देखो कि मैंने क्या कहा कि मैं भी कल तक आपके जैसे यहाँ पर बैठा हुआ था और कल तक मैं भी आपके जैसे यहाँ पर बैठा हुआ था, मुझे भी सिलेबस समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाते हुए थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा एक्सपीरियंस आया। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो स्टूडेंट 100% सिलेबस कवर करता है या कवर करने का कोशिश करता है तो कभी वो क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है। मैं अपने 19 ईयर्स में 500+ रिजल्ट दे चुका हूँ, 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ और 3,000 को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो 100% सिलेबस कवर करने का कोशिश करता है वो कभी क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि 100% सिलेबस कवर ही नहीं होगा,
जीएस जो है ओशन है, अथाह समुद्र है। ऑप्शनल भी आप अगर 100% कवर करेंगे कोई भी ऑप्शनल तो अथाह समुद्र है। और दूसरा जो जो 16 घंटा 18 घंटा पढ़ता वो भी क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि 16 घंटा पढ़ने वाला बैल क्वालिफाई करता है। मैक्सिमम 8 घंटा आप नियमित रूप से पढ़े काफ़ी है। तो मैंने क्या कहा कि जो 100% सिलेबस कवर करता है वो कभी क्वालिफाई नहीं करता, जो 50% सिलेबस कवर करता है वो कभी रैंक होल्डर नहीं होता, जो 33% सिलेबस कवर करता है वही क्वालिफाई करता है और रैंक होल्डर होता है। तो यूपीएससी में पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, छोड़ना। पढ़ने के लिए तो सब कुछ है और हमारा माइंड की कैपेसिटी लिमिट है, तो पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना महत्वपूर्ण होता है। स्मार्ट स्टूडेंट कौन होता है, जो ये छोड़ने की कला जानता है, जो इस तरह से 5 क्वेश्चन निकाल लेता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वही स्मार्ट स्टूडेंट होता है, वही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, वही स्ट्रेटजिस्ट होता है, यही स्मार्ट वे ऑफ स्टडी होती है, ठीक है, वही टॉप करता है। ये बैल टॉप नहीं करता है, घिसू स्टूडेंट टॉप नहीं करता, ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट। तो आप स्मार्ट कैसे बनेंगे, मेरे बल पर तो कभी नहीं बन पाइएगा, ठीक है, मेरे बल पर नहीं बन पाइएगा, क्यों कि मैं अभी तक 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाया, इंस्टीट्यूट में 3,000 को पढ़ाया, मेरा सभी से दोस्ती, किसी से भी दुश्मनी नहीं, तो मैं 500 रिजल्ट क्यों दिया यार, क्या मैं आपके कान में जाकर के कहता हूँ ये पढ़ लो और उनको नहीं कहता हूँ, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा चीज तो इंटरनेट पर जो है आप देखेंगे, जाइए डेस्टिनेशन IAS एकेडमी डालिए यूट्यूब पर, बहुत कुछ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो चिल्ला चिल्ला करके क्लास में कहता हूँ और चिल्ला चिल्ला करके इंटरनेट पर कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला करके ऑनलाइन क्लास कहता हूँ करवाता हूँ और ऑनलाइन में बच्चों को बोलता हूँ। तो अगर मेरे पर में डिपेंडेंट रहिएगा तो कभी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। क्वालिफाई मेरा कौन स्टूडेंट करता है, जो अपने पैर पर खड़ा होता है। मैं तो सबको दे रहा हूँ, ले कौन कितना रहा है, आप लोग कितने दिन जो है क्लास रेगुलर करते हैं। मैं आज तक अपने 19 साल के कैरियर में बहुत कम देखा हूँ कि मेरा 100% स्टूडेंट प्रेजेंट हो, बहुत कम देखा, 20% 10-20% स्टूडेंट ही रेगुलरिटी मेंटेन करता है। और टेस्ट सीरीज जब करवाता हूँ तो उसमें क्या होता है, 10% स्टूडेंट भी नहीं आता, कि सर टेस्ट कंडक्ट करेंगे क्लासरूम में, कच्चा चिट्ठा खुलेगा, तैयारी नहीं हुई है, तो उस दिन जो है अधिकांश स्टूडेंट को मेरा फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट दर्द करता है, कभी कभी तो बाथरूम में स्लिप कर जाता है, ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है जब टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो कंपटीशन जो है कितने में होता है, 10% स्टूडेंट या मैक्सिमम कहिए 20% स्टूडेंट में कंपटीशन होता है, 80% तो फालतू में भीड़ जो है कि जुटाता है, ठीक है। लेकिन भाई जो है कि इस तरह की बात बोल नहीं सकता हूँ कि क्लास में कि तुम 80% में हो, क्योंकि तुम बंग मारते हो, तुम क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर कहूँगा तो रोजी रोटी तो मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, कौन फी पे करेगा, वो गाली दे करके चले जाएगा, दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। इसलिए वो 80% को जानता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए क्वालिफाई करना है तो अपने पैर पर खड़ा रहो, 20% स्टूडेंट बनो और स्मार्ट वे में स्टडी, स्मार्ट वे में छांटो कि कहाँ से 5 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन मुझे पकड़ना है, 5 क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो छांटो, 33% पर कॉन्सेंट्रेट करो। और ये कैसे कर सकते हो, देखो कि मैं बता रहा हूँ, करोगे कितना वो तो मुझे पता है ना,
कौन कितना करोगे मुझे पता है, मैं तो गाइड हूँ, मैं द्रोणाचार्य हूँ। मैंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन सबको सिखाया। मेरा एक स्टूडेंट क्या हो गया, अर्जुन, एक स्टूडेंट दुशासन हो गया, औरतों का चीरहरण करने वाला। मैं रमाकांत आचार्यकर हूँ, मैंने सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट खिला सिखाया और भी बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया। एक स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर हो गया, एक रणजी भी नहीं खेल पाया, ठीक है। मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं, एक्ट आपको करना होगा, आप मेरे डायरेक्शन को कितना मान रहे हैं, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप स्मार्ट वे में कैसे स्टडी करेंगे, पहले एक बार गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस को गो थ्रू करो फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड में गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रिपेयर सिनॉप्सिस। सेकेंड रीडिंग में सेकेंड में वहाँ से जस्ट स्विच कर जाएंगे कहाँ पर, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, टॉपिक बेसिस पर एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, कौन टॉपिक बकवास है छोड़ देंगे उनको, ठीक है, कौन टॉपिक बकवास है छोड़ देंगे। क्या इस कहाँ पर आ जाओगे, 50% सिलेबस पर, सिलेबस आधा छाँट दिया, 50% सिलेबस पर आ गया। एक बार 100% बना लिए, पढ़ लिए सिलेबस, उनका सिनॉप्सिस बना लिए, रफ आइडिया आ गया। सेकेंड स्टेप, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन चले जाओ, उनका एक फ्लो चार्ट बनाओ, इस टॉपिक से इस ईयर में आया, इस ईयर में आया, इस ईयर में आया, इस ईयर में क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से इस ईयर में आया है, कितने टॉपिक में सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जैसे ही ये सेलेक्ट कर लोगे, टेबल बना करके सिलेबस तुम कितना छाँट दोगे, 50% के आसपास सिलेबस छट गया, छट गया ना। अब देखो थर्ड स्मार्ट वे, अब जो है, अब 50% तो छाँट दिया हमने, अब जो 50% बचा हुआ है, अब उस 50% में कैसे छाँटें, इनको 25%, इसका 25%, 30%, 40% कैसे छाँटें। अब देखो कि कोई बुक उठाओगे, जैसे तुम्हारी सिलेबस में प्लेटो है, प्लेटो अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो 50-60 पेज में है। अब एनालिसिस करो कि प्लेटो का कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कौन कौन हेडिंग से। तो आप जो अगर एनालिसिस करेंगे, अपने से करना, मैं जो कह रहा हूँ विश्वास मत करना, जब तक अपने से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो देखोगे प्लेटो का 6-7 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटो का, प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, एक ये प्लेटो का सुकरात पर, प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। दूसरा प्लेटो का राज्य, आदर्श राज्य। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का साम्यवाद, ठीक है ना। प्लेटो का दार्शनिक राजा, और प्लेटो और अरस्तु में तुलना, और प्लेटो का योगदान। 7-8 टॉपिक आ गया। अगर मान लो कि 8 टॉपिक को सभी पर 250 वर्ड में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, या अगर हम BPSC ले लेते हैं, UPPCS ले लेते हैं, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 600 वर्ड में पूछा जाता है, तो सभी को हमने 700 वर्ड में बना लिया, सभी सेक्शन पर कवरेज 700 के आसपास दे दिया, तो 8 टॉपिक में कितना हो गया, 5600 वर्ड्स में ख़त्म। 5600 वर्ड्स में हमारा ये अगर ख़त्म हो जाता है, 5600 वर्ड्स में, एक पेज में आप दोनों साइड में 400 वर्ड लिखते होंगे, ठीक है ना। एक साइड में कहिए कि एक साइड में 200 वर्ड लिखते हैं, एवरेज ले लीजिए, ठीक है ना, 200 वर्ड लिखते हैं, तो ये आपको 28 पेज में, कहिए कि 14 पेज में, 14 पेज में ये आपका कवर हो गया, ठीक है, 14 पेज में कवर हो गया आपके हैंड राइटिंग में, हो गया ना कवर।
उनको नोट्स बना लिया। नेक्स्ट स्टेज में क्या करोगे? ये नोट्स बनाना ही सफिशियंट नहीं है, अब ये नोट्स का सिनॉप्सिस बना लोगे। मेन मेन वर्ड जो है एक बार पढ़ लिए हो, फिर जो है पढ़ लिए तो समझ में आ गया, नोट्स बना लिए और भी ज़्यादा समझ में आ गया, फिर जो है उनका जो 600 वर्ड्स में बनाए हो उनका जो है सिनॉप्सिस बना लो 100 वर्ड्स में, की पॉइंट मेन पॉइंट बना लो, और उनको पढ़ो मत, रट मारो, क्योंकि एग्जाम में जब लिखोगे ना तो फ्लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? हमारा समझा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन उनके बावजूद भी जब एग्जाम हॉल में लिखोगे ना तो सोचना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जैसे ही सोचा एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर ये सिनॉप्सिस जो बनाया है और उस सिनॉप्सिस को कोड बना करके, किसी गाना पर बना करके कोड, म्यूजिक पर कोड बना करके, हीरो हीरोइन पर कोड बना करके, या आप अपने गर्लफ्रेंड पर कोड बना करके, बॉयफ्रेंड पर कोड बना कर करके आपने उनको रट मारा, तो जब एग्जाम में पूछेगा ना तो आपका ये फ्लो रुकेगा नहीं, पेन नहीं रुकेगा आपका, ठीक है? पेन नहीं रुकेगा, तो नेक्स्ट स्टेज में ये काम कर लेना, ठीक है? तो पहले मैंने क्या बताया, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उनका संक्षेप में सिनॉप्सिस बना लिया सारे का। दूसरा स्टेज में लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन, उनका जो है कि एक टेबल बनाया कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 50% वही सिलेबस छट गया। थर्ड स्टेज में अब जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का की पॉइंट कौन कौन आयाम है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा कि प्लेटो के यही इतने ही आयाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 पेज में मैंने कहा कि ये कवर हो गया आपका, ठीक है? 14 पेज में ये कवर हो गया आपका प्लेटो, उतना ही आयाम। उनके बाद का स्टेज मैंने क्या बोला कि उनका सिनॉप्सिस बना लो और रट मारो। देखो कि 50% मार्क्स नहीं आए तो फिर आकर के मुझे बताना, 50% पर टॉप कर जाता है स्टूडेंट, ठीक है? ये आपका स्ट्रेटजी होता है, ये पढ़े ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है? इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? आइए अब जो है कि नेक्स्ट पहलू जो है कि हम लोग आएंगे बुक्स, इस पर देख लो। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वीपी वर्मा की बुक ले लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पीडी शर्मा का ले लेना, या जेपी सूद का ले लेना, या आरएम भगत का ले लेना, या आरएम भगत का ले लेना। इसमें से जो अच्छा लगे वह ले लेना, लेकिन अगर यूजीसी नेट दे रहे हो तो ये खरीदना, जेपी शोध खरीदना, ठीक है? 3-4 वॉल्यूम में मिलेगा। उनके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में ओपी गावा की बुक ले लेना, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है।
या ये नहीं लोगे तो ईडी आशीर्वादम ले लेना। ईडी आशीर्वादम ले लेना और इसमें थोड़ा मदद ले लेना इग्नू का ज्ञान भंडार आता है, इग्नू के वेबसाइट पर जाना, इग्नू ज्ञान भंडार आएगा, वहाँ इग्नू के ज्ञान भंडार का एमए का और ग्रेजुएशन का नोट्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये मदद करेगा, ये सब के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन और पीजी का भी जो एसओएल से मटेरियल देता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट के लिए ये अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसे केस में, लेकिन इग्नू का ज्ञान भंडार का जो मटेरियल है वह सभी के लिए अवेलेबल है, इनको देख लेना पॉलिटिकल थ्योरी में। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पर बुक देख सकते हो ए एस नारंग का देख सकते हो, बी एल फाड़िया भी देख सकते हो। और इसमें जो है कि तुम्हें इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत भी मदद करेगा। एम लक्ष्मीकांत भी मदद करेगा। तो ये फर्स्ट पेपर में इतना देख लेना। एक आइडियोलॉजी से रिलेटेड बुक आती है, आइडियोलॉजी से रिलेटेड बुक आती है आपको एंड्रयू हैवुड का, ये भी देख लेना। देखो कि मैंने ये बुक लिखा है, इतना ज़्यादा बुक लिखा दिया, इसमें सारा कुछ पढ़ना नहीं है, छांटना, स्मार्ट वे में स्टडी करना, ठीक है ना। बुक तो मैंने लिखा दिया, इतना बुक पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा ना, तो इसलिए, क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, इसमें से देखना कि कौन सेक्शन से क्वेश्चन आता है और किस में कवरेज अच्छा दिया हुआ है, और सबको मिला कर करके एक अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पेपर पर, आ जाओ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें सी बी गेना की बुक ले लेना या जे सी जोहरी का बुक ले लेना, ये ध्यान में रखना। सी बी के गेना का बुक जो है लगभग 600 to 700 पेजेज है, और जे सी जोहरी का बुक में भी 600 to 700 पेजेज है। तो अगर मैं टोटल जो है कि वो पढ़ूंगा, इससे जो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा दो शॉर्ट नोट्स पूछ देगा, 250 वर्ड्स वाला क्वेश्चन जो है कि दो पूछ देगा। और पीसीएस एग्ज़ाम लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब में एक ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि यहाँ से। अब उसके लिए अगर मैं 600-700 पेज जो है कि पढ़ूंगा तो बताओ प्रैक्टिकल है, इसलिए स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। इसमें टॉपिक सेलेक्ट करोगे कि टॉपिक सेलेक्ट करोगे उसी टॉपिक को पढ़ोगे। ये टॉपिक कैसे सेलेक्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर जो मैंने बताया, टॉपिक सेलेक्ट करो फिर पढ़ो कि कौन टॉपिक सेलेक्ट, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपके स्टडी के क्रम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, नॉट कैलाश मिश्र, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ बिल्कुल ही, ठीक है ना। आपका बेस्ट फ्रेंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और उसी के बेसिस पर जो है कि आपको तैयारी करना है। तो जैसे देखेंगे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, इनका पेट टॉपिक होता है,
बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, यही से क्वेश्चन आता, बस इतना ही चैप्टर देख लेंगे। तो हमें 700 पेज पढ़ने की जरूरत हुआ, मैं कैसे जाना ये, वही 10 ईयर्स का क्वेश्चन देख कर करके, ठीक है ना। 700 पेज पढ़ने की जरूरत हुई, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, उनके बाद थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, IR, इसमें महेंद्र कुमार का बुक ले लेना, महेंद्र कुमार का बुक ले लेना, एक जो कि इसमें ले लेना ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रयू हैवुड का, एंड्रयू हैवुड का ग्लोबल पॉलिटिक्स ले लेना, हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पर इंटरनेशनल रिलेशन पर ले लेना बुक, VK मल्होत्रा, या PU घोष, PU घोष का बुक ले लेना, PU घोष का इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर एज सच कोई एक बुक स्टैंडर्ड बुक जो है कि नहीं आती, डिफरेंट बुक्स में इस पर UNO, WTO, SAARC, ASEAN, ये सब जो कि सभी IR के बुक में मिल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको GS में भी मदद कर देगा, उस पर्पज से आप जो लेंगे, आप कुलदीप फाड़िया की बुक ले लेंगे, ये साहित्य पब्लिकेशन, साहित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद से आती है, साहित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद से आती है। तो ये आपका सेकेंड पेपर का कवर कर देगा, लेकिन देखना सेकेंड पेपर बहुत ही डायनामिक एस्पेक्ट होता है, तो इसके लिए मैगजीन जो है कि मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा, मैगजीन जो है तुम लोग देखोगे वर्ल्ड फोकस, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, वर्ल्ड फोकस देखोगे, देखो दोगे, और ऑर्गेनाइजेशन पर या करेंट इशू पर जो टॉपिक आएगा, इंडो US रिलेशन या UNO, ये सब पर जो विकिपीडिया भी देख लेना, उस टॉपिक पर विकिपीडिया देख लेना, उनके बाद जो देखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वेबसाइट पर चले जाना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पर चले जाना, थोड़ा बहुत आइडिया जो है वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ पर मिल जाएगा। मैगजीन वर्ल्ड फोकस, जो वर्ल्ड फोकस, उस पर फोकस करना, न्यूज़पेपर हिंदू देखते रहना, ये तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। जो बुक्स मैंने रिकमेंड किया है वह पॉलिटिकल साइंस के सारी रिक्वायरमेंट को आपको पूरा कर देगा, ठीक है। जहाँ तक अब एक फेसेट बचा, सिलेबस, सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस आप लोग देखेंगे, उनको सिलेबस देखेंगे, अपने से उसे कवर करने का कोशिश करेंगे, एक बार पूरा सिलेबस जाएंगे, उनका सिनॉप्सिस बनाएंगे, फिर जो है कि सेकेंड स्टेज में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे,
और 50% पर आएंगे, फिर जब उस 50% टॉपिक का देखेंगे कहाँ कहाँ से उसका कौन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका नोट्स बनाएंगे, तब जो एक उनका सिनॉप्सिस बनाएंगे, उनको जो है याद कर लेंगे अच्छी तरह से, और क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करेंगे विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट। पढ़ने से ज़्यादा इम्फेसिस लिखने पर देंगे, केवल अंडरलाइन कर करके इस तरफ से कवर टू कवर आप जो उठा करके पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इधर से आप पढ़ेंगे उधर से आप भूल जाएंगे, आपका माइंड है कॉम्प्यूटर नहीं है, इसलिए उनको पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर जोर दीजिए और उनको मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए, और सप्ताह में एक दिन डिवीजन के लिए ज़रूर टाइम रखिएगा, हर एक सेक्शन का शेड्यूल बना करके, तभी जो है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैर पर खड़ा रहें। सिविल सर्विस में वही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है जो अपने पैर पर खड़ा होता है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको मदद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई आपके सीनियर मदद कर दिए और भी अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपके आप में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं स्वयं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, अपने मदद से कर सकता हूँ क्वालिफाई। अगर कोई मदद मिल जाता है तो वह बहुत अच्छी बात है, मदद मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है, मैं अपने से क्वालिफाई करूँगा। ये कॉन्फिडेंस जो है कि कभी आप लोग शेक नहीं होने दीजिएगा, इस कॉन्फिडेंस पर रहिएगा कि डेफिनेटली मैं क्वालिफाई करूँगा। नेवर से गिव अप, नेवर क्विट, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, यही आत्मविश्वास आपको क्वालिफाई करवाएगा। और जिस स्रोत से ज्ञान मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने का कोशिश करें, जहाँ से मिल सके, लेकिन अल्टीमेटली अपने पैर पर खड़ा रहना है, ठीक है ना? और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, जैसे जानते हैं अगर एक गाड़ी का ड्राइवर एक्सपर्ट हो जाता है, आप कार चलाते हैं एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कार में म्यूजिक भी सुन लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, हमेशा ध्यान कहाँ रहता है? रोड पर। अगर रोड पर से ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आप जो काम करते हैं कीजिए, लेकिन आपका ध्यान हमेशा इस पर रहना चाहिए कि मैं क्वालिफाई करूँगा 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 करूँगा, ठीक है ना? इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल भेजिएगा। और दूसरा, इसमें आंसर कैसे लिखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक तो आप लोग डिफरेंट आस्पेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, और उसमें जो डायरेक्टिव्स होता है कि कभी रहता है व्याख्या करें, कभी रहता है विवेचन करें, कभी रहता है मूल्यांकन करें, कभी रहता है साधारण वर्णन करें, उस पर मैं 6 घंटा लेक्चर देता हूँ, 6 घंटा लेक्चर दिया हूँ वो, और उनको मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाइएगा और उसमें टाइप कीजिएगा डेस्टिनेशन आईएस एकेडमी। इसमें आपको हाउ टू राइट आंसर पर मैंने 6 घंटा क्लास लिया है, वह 6 घंटा का क्लास जो है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके 10 पार्ट तक आपका जाएगा, 10 पार्ट तक जाएगा हाउ टू राइट आंसर। आप उनको ज़रूर देख लेंगे अपने से, ठीक है, क्लियर। जाइए और टॉप कीजिए। गॉड ब्लेस यू।